मरकच्चो प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी प्रमुख ने मरकच्चो के ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर किया जागरूक। बताया जाता है कि कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित घनी आबादी वाले गांव मरकच्चो के विभिन्न मोहल्ले में कुछ लोगों द्वारा वॉशरूम गंदे नालियों का पानी का बहाव सीधा रोड पर करने के कारण पूरे ग्रामीण और आसपास के गांव के लोगों को हो रही परेशानी और खासकर हिन्दू धर्म के इस पावन त्योहार छठ पूजा के समय भी गंदे नाली के पानी रोड पर मिलने के कारण आरपी भारत चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी मिलने के पश्चात मरकच्चो प्रखंड के बीडीओ पप्पू रजक थाना प्रभारी सुमित साव प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह ने पूरे मरकच्चो गांव पहुंचकर सभी गलियों का जायजा लेकर खासकर मरकच्चो दक्षिणी पंचायत के बाजार रोड भगवती डीह मोहल्ला मध्य पंचायत के राणा मोहल्ला तुरिया मोहल्ले के रास्ते पर सीधा सीधा रोड पर गंदे पानी बहाने वाले घरों के मेंबरों को वहां के स्थानीय मुखिया दीपक कुमार पांडे 20 सूत्री अध्यक्ष रिंकू सिंह समाज सेवियों के सामने बुलाकर स्वच्छता के महत्व और उसकी जानकारी देते हुए वहां गलियों में गंदगी फैलाने वाले मोहम्मद सद्दाम अयूब खान केदार राणा धनेश्वर साव यमुना साव रामी सिंह आदि दर्जन लोगों को अनुरोध किया। एक तो बिल्कुल सामने आस्था और विश्वास का प्रतीक त्योहार छठ त्योहार है जिसमें साफ सफाई बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, साथ ही गांव मोहल्ला स्वच्छ न रहने से अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध किया जाता है, इतना समझाने के बावजूद अगर रोड पर पानी गिराया जाता है तो बाध्य होकर तो वैसे लोग जो रोड पर पानी बहाने से बाज नहीं आएंगे उन्हें चिन्हित कर उनके ऊपर कठिन कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि जीवन में ऐसी गलती को लोग दोबारा न कर सकें। वहीं ग्रामीणों ने विश्वास दिलाते हुए बताया आज के बाद ऐसी गलतियों का पुनरावृत्ति नहीं होगी। मौके पर समाज सेवी शंभू सिंह धीरज पांडे शशि कुमार पांडे समेत दर्जनों समाज सेवी ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। कोडरमा सिंह देव कुमार राम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।